लोकतंत्र के महाकुंभ में मतदाता डुबकी लगाने को तैयार है। आज दूसरे चरण का मतदान है। आगरा लोकसभा सीट से भाजपा के कद्दावर नेता प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल मैदान में हैं, वोट डालने के लिए जा रहे हैं। सर क्या उम्मीद लग रही है आपको? 100% जीत है और केवल मेरी सीट पर जीत नहीं है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है। 2014 तो इंक्लूड है, 19 में मोदी जी का व्यक्तित्व तौर उभर करके आया है। 2014 में अच्छे प्रधानमंत्री होने की प्रत्याशा में लोगों ने वोट डाला था नाम पर, इस बार नाम भी है और काम भी है। और उत्तर प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाएं मुख्यमंत्री ने जो की हैं और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहाया है उसकी बदौलत संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक सैलाब है। गठबंधन को कितनी चुनौती मानते हैं? कोई चुनौती नहीं है, गठबंधन की गांठें खुल चुकी हैं। वोट ट्रांसफर करने की क्षमता अपनी पार्टी में तो है, लेकिन एक पार्टी दूसरे पार्टी को अपना वोट इसलिए ट्रांसफर नहीं कर सकते, जमीनी तौर पर उनमें बहुत लड़ाई झगड़ा है। अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? 100%। ये एसपी सिंह बघेल हमारे साथ। भाभी जी आप लगातार चुनाव में रही हैं, लगातार 3-4 चुनाव, जितने चुनाव लड़े हैं उतने चुनाव में, इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार हमें चुनाव प्रचार में ही ऐसा लग रहा था कि हम प्रचार के लेने जा रहे हैं, अपनी जीत हो चुकी है और उसी के लिए स्वागत हो रहा है, इस तरह का था हमारा। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप? 200%। राजा आपने चुनाव में लगातार कैंपेनिंग की है, पिछले चुनाव भी देखें, लेकिन इस बार पूरी ताकत से आप जुटे हुए हैं, तो क्या लग रहा है आप? जी हम चुनाव प्रचार में जहाँ पे चाहे वो शहर हो या देहात हो, हम जहाँ पे भी गए बहुत ज़्यादा प्रेम आदर सत्कार सम्मान मिला और 20 दिन में ही ऐसा लग गया कि बहुत अच्छा माहौल है। और 20-25 साल के जो मेरे फादर की हार्डवर्क और तपस्या है वो प्रचार के दौरान मुझे पता चली। तो आपने देखा कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जो खुद आगरा लोकसभा सीट से यहाँ प्रत्याशी हैं वो यहाँ अपने बूथ पर वोट डालने के लिए आए हैं। मतदाताओं का जो उत्साह है वो सुबह से ही बरकरार है। अब देखने वाली बात ये होगी कि एक बार फिर आगरा की जनता क्या रिजल्ट देती है। अपने साथी इकबाल के साथ विजय बघेल, सी न्यूज़ आगरा।